हाई गई वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू ऑलर फाइन एंड डूइंग गुड सोट सो ये वीडियो भी रमज़ान से पहले का वन ऑफ द्ग है जो अपलोड नहीं हो पाया था एंड मोस्ट प्रोबली इस वीडियो के बाद इन शह विल भी अकॉर्डिंग माई रमज़ान थी ब्लॉग देट हाउ एम स्टार्टिंग एंड वट आई एम डूइंग एवरी थिंग इस ब्लॉग में मैं सुबह उठते ही आ गई थी लाइब्रेरी कि हमारी आगे क्लासेज कम्पलीट हो गई हैं सलेबस कम्प्लीट हो चुका है रिविजन क्लासेस चल रही हैं कभी कभी विज में शेड्यूल होती हैं सो so, मेरा मोस्टली नाइट रूटीन हो ही चुका था बस मैं सुबह उठते ही फटाक से स्ट्रेट लाइब्रेरी आ जाती थी एंड बिल्कुल जरूर से टाइम में स्टार्ट करती थी एंड आई यू टू स्टार्ट एड रिंग सिलेबस कम्प्लीट होने के बाद हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मेजर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही थी में मैं इन ब्लॉग्स में उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी अभी उसके दो मॉक टेस्ट हो चुके हैं एंड मोस्ट प्रॉबली वो भी तुम लोग को आगे वाले ब्लाग्स में देखने को मिलेंगे कि मेरा क्या स्कोर था कैसा रहा एवरी थिंग तो स्टेड एंड एग्ज़ाम में कुछ लास्ट थर्टी डेज बचे हैं लास्ट मंथ बचा है बस हमारे एग्जाम को एंड या yeah. अगर मैं अपनी प्रिपरेशन को बताऊँ तो मैं भी रिवाइज़ करती जा रही हूँ हमारा ऑफलाइन तो सलेबस बहुत लेट कम्प्लीट हुआ है एंड ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में मेरा सिलेबस भी काफ़ी लेट कम्पलीट हुआ है फिर कई बार काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने की वजह से सिलेबस कम्प्लीट हो गया बट रिविजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है सभी मैं बस ट्राई कर रही हूँ मैक्सम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ और अपना सिलेबस ग्रास्प कर सकूँ अभी जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन आल स्टार्ट हुई है तो so, टेस्ट सीरीज़ में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और डेज बहुत कम मिल तो रहे हैं तो उसकी वजह से सारी चीज़ें नहीं रिवाइज़ हो पा रही हैं तो मैं मैक्सिमम ट्राई कर रही करी कि जैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज थी वो सिक्स पार्ट टेस्ट में मैंने इससे पहले किसी एक ब्लॉग में तो मुको दिखाया था तो so, वो सिक्स पार्ट टेस्ट तो मैं ट्राई करी हर पार्ट टेस्ट का मैक्सिमम कवर कर लूँ एंड जब वो फुल सिलेबस स्टार्ट हूँ तो जो चैप्टर छूट के उन्हें कवर करूँ तुम लोग बताना तुम लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड क्या, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग गाइज मैंने डिसाइड किया है कि मैं सोच रही हूँ प्रॉपर डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ लाइक लास्ट के थर्टी डेज में प्रॉपर डेली ब्लॉगिंग जैसे कि जब मैं ये वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे पास ऑलरेडी आगे के एक दो ब्लॉग एडिटेड है बस वॉइस ओवर करना है तो ऐसे क्या होगा स्पेयर में मेरे पास एक दो ब्लॉग रहेंगे तो डेली एक एक ब्लॉग लाइव करते जाऊँगी और ऐसे न्यू न्यू रिकॉर्ड करते जाऊँगी तो मेरी भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तुम्हारी भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी मैं डेली ब्लॉग में अपने सारे टेस्ट के स्कोर और अपने डेली टारगेट शेयर करती रहूँगी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या, क्या रिवाइज कर रही हूँ लाइक अभी अपना सब कुछ प्लान करने वाली हूँ कैसे लास्ट के थर्टी डेज रिवाइज करने वो 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 भी तुमको आने वाले ब्लॉग्स में तो डेली व्लॉगिंग से मैं भी कंसिस्टेंट हो जाऊँगी और तुम भी और डेली कॉमेंट सेक्शन में तुम भी अपना सब कुछ शेयर कर सकते हो कि तुम्हारे आज के डेली टारगेट्स क्या थे कंप्लीट हुए कि नहीं हुए सो या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और अगर करूँगी तो तुम लोग मेरे ब्लॉग्स देखोगे कि नहीं मेरी सारी चीज़ें सॉर्टेड सॉर्टेड हो गई हैं अभी मेरा लाइक like, स्ड्यूल भी एकदम प्रॉपर फिक्स हो गया है सो आई थिंक आई कैन डू डेली ब्लॉगिंग एंड आई विल श्योरली टू अ चैलेंज गाइज लाइक मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने कभी चैलेंज नहीं किया है सो आई गेट्स लेस्ट डू दस लाइक थर्टी डेज थर्टी स्टडी चैलेंज और थर्टी डेज रिविजन चैलेंज और समथिंग लाइक दैट लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन हैंड्स वी यार टॉंग अबाउट द ब्लॉग वन सेटिंग में ही मेरे ऑलमोस्ट फोर आवर्स की पढ़ाई हो चुकी है आई एम डन विद केमिस्ट्री का रिविजन एंड आई एम स्टार्टिंग विद एनिमल किंगडम क्योंकि हमारे फर्स्ट मेजर टेस्ट में प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम सारे गंदे गंदे जो चैप्टर होते हैं वो सब दे दिए गए थे मैं प्लांट किंगडम फुल रट रट के लिख लिख के याद कर रही थी एंड मोस्ट ऑफ टाइम मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया कि मैं लिख लिख के याद करना प्रेफर करती हूँ लिख लिख के रिकॉल करना प्रेफर करती हूँ सो so मैंने एक तरफ़ अपने पुराने नोट्स रख लिए थे एंड दूसरी तरफ उन्हें एक बार रिकॉल करती जा रही थी और फिर अपने न्यू नोट्स में लिखती जा रही थी दिस लाइक समथिंग विच आई फील मोर प्रोडक्टिव तुम्हें याद भी हो जाता है और तुम लिख के रिकॉल भी कर लेते हो सो एट द सेम टाइम यू आर मेमोराइजिंग एज वेल एज़ रिवाइजिंग एंड उसके बाद सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कहीं से कोई नया सोर्स या कोई पुराना सोर्स लाइक तुम्हें कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पुराने, पुराने वाले सोर्स पे तो उसे ना सॉल्व करो कोई नया सोर्स सॉल्व कर लो एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक यू लास्ट टाइम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी तो मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो लग रहा था मैंने ये सारे चैप्टर्स पढ़े अच्छे थे थे बार रिवाइज नहीं किए थे तो मुझे अब ये याद नहीं रह गए थे जब पढ़े थे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से गई थी मुझे बस लग रहा था ये अच्छे से एक बार रिकॉल कर लूँगी ना अच्छे से लिख लिख के मेमोराइज कर लूंगी तो मेरे लिए सब सॉर्टेड हो जाएगा फिर मुझे तो दिक्कत नहीं होगी तो इसलिए मैंने अच्छे से लिख लिख के कर याद करी थी सो दैट मैं भी इन्हें भूल लूँ ना एंड एनिमल किंगडम तो मोस्ट बेसिकली टेबल बना के याद करने वाला होता है सो मैंने भी अपने पुराने वाले नोट्स में प्रॉपर टेबल बना के रखी थी एंड उसी के थ्रू मेमोराइज किया था तो यहाँ यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सिक्स पॉइंट फाइव आवर्स की स्टडीज़ हो गई थी एंड देन मैं रूम पे वापस आ गई थी आई हैड माय लंच एंड खाना खाने के बाद देन आई लाइक अगेन सेट ऑन माय स्टडी टेबल बहुत बाहर बहुत धूप थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर और अपने रूम पे पढ़ते हैं उसके बाद फिर से लाइब्रेरी जाएंगे सो आई स्टार्टेड इन माई रूम एंड यहाँ से मैंने यू पढ़ना स्टार्ट किया था क्योंकि वो मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आ रहा था मैं अभी मोटा मोटर करेंटली बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ यानी आगे आने वाले नेक्स्ट मंथ में क्या क्या करने वाली हूँ सो so, जैसे कि हमारे पार्ट टेस्ट चल रहे हैं आलन में जिसमें हमारे लाइक सिक्स पार्ट टेस्ट होंगे जिसमें हमारी पूरी सिलेबस को सिक्स पार्ट में रिवाइज किया गया है दैन फर्दर हमारे रिव्यू टेस्ट होंगे जिसमें सिलेबस वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स करके आएगा लाइक वन प्लस टू टू प्लस थ्री थ्री प्लस फोर करके आ रहा है ऐसे सो so, मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट टेन डेज में अपनी पूरी बायो कवर कर लूँगी लाइक like, हमारा लास्ट पार्ट टेस्ट है एटथ को आएगा इस तो एट्थ से पहले पहले मेरी पूरी बायो एक बार मैं रिवाइज कर लूँगी लाइक यही चीज़ें मैं तुमको बता रही हूँ अभी आने वाले ब्लॉग में तुमको देखने को मिलेगा कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ so, मैं डिसाइड किया ऐसे एट तक पूरी बार रिवाइज़ कर लूँगी उसके बाद फिर ऐसे लाइक लास्ट के मंथ में टू टाइम्स और डेली फोर फोर चैप्टर करके टेन डेज में तुम ईजी अपनी बार रिवाइज़ कर सकते हो जैसे लास्ट ईयर भी हमें फास्ट रीडिंग कराते थे सर तो एक्जैक्टली वही करना है डेली चार चार चैप्टर चार्� उठा के रिवाइज़ कर डालना है सो so, मैंने ये सोचा है एंड नेक्स्टली आई हैव डिसाइडेड कि एंड जैसे अभी मैं फिफ्थ सेमेस्टर में क्या कर रही हूँ उनकी एक्चुअल शीट्स बना रही हूँ जैसे कुछ दिन पहले मेरी ग्रुप में और मैम भी मुझे यही समझा रहे थे कि मेरी हम जैसे हम वॉक से पहले अपने पूरे डिटेल नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते अपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते सो वॉट वी डू इज़ दैट लाइक सिंपली अपने पी वाई क्यूज़ उठा लो और क्योंकि अभी लास्ट टाइम पर पी वाई क्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देना तो मेरा सिलेबस कम्प्लीट है नहीं कम्प्लीट है फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट है पी वाई क्यू इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लास्ट वन मंथ की तो मैं अब तो पता होना चाहिए हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है कौन सी चीज़ें तो हर साल पूछी जाती है कौन सा तो टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन बनकर आते हैं वो चीज़ें तो तुम्हें उठानी है तो ऐसा ना तो हो कि तुम सब कुछ पढ़ने के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज़ें ना पढ़ो सो तो इसलिए ऐसे पी वाई क्यू से बहुत कमांड बनानी है तो मैं आजकल क्या करूँ अपने पी वाई क्यू का एक फैक्चुअल शीट्स बना रही हूँ तो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊँगी कैसे बना रही हूँ उसमें सिंपली मेरे हर वो टॉपिक होते हैं जिनसे मेरे पी बन रहे होते हैं एंड या फिर अपने डिटेल नोट्स को उठाती हूँ साथ में पी वाई क्यू उठाती हूँ डिटेल नोट्स का एक एक टॉपिक लिखते जाओ उसको शॉर्टली समराइज़ कर दो बिल्कुल एक दो लाइन में कि तुम्हारे डिटेल नोट्स में जितने टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए प्लस पी वाई क्यू तुरंत तुमने पी वाई क्यू लिखा कि ये टॉपिक था इसका ये पी वाई क्यू था वो पी वाई के शॉर्ट में कवर हो गया फिर तुम्हारे दिमाग में ग्रग्राफी मन से ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर कर देते तो अभी मैं कुछ दिन पहले यू एन डी 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 पढ़ देती हूँ मैंने उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर कर लिए कि ये टाइप वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है टाइप टू क्वेश्चन है यह टाइप थ्री क्वेश्चन है बस यही दो तीन तरह के क्वेश्चन फ्रेम होता है सो कुछ इस तरह से हर चैप्टर की फ्लैक्चुअल शीट्स में बनाते हैं मतलब चलो शॉर्ट नोट्स तो ठीक थे इसमें फॉर्मलास डाल दिए थे कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़्यादा डाल दिए थे पर अब वो मुझे याद हो गए मुझे फॉर्मलास वो हो गए अब क्या मुझे एकदम क्रस्प चाहिए कि क्विकली मुझे फॉमला फॉर्मला फॉर्मला दिख जाए और क्विकली मैं क्वेश्चन रिवाइज कर लूँ तो उसके लिए इज़ आई एम प्रिपेयरिंग माई फ्लैक्चुअल शीट्स एंड मॉकटस से पहले पहले उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ तो मगर मैंने बताया मैंने लंच करने के बाद थोड़ी देर रूम पर ही पढ़ाई किया उसके बाद मैं फटाक से फिर से लाइब्रेरी आ गई थी ऑलमोस्ट नाइन आवर्स हो चुके हैं मेरे एंड घर पे भी मैं यू एन डी पढ़ रही थी यहाँ पे आई डिसाइडेड कि फटाफट से यू एन डी की फ्लैक्चुअल शीट बना लेती हूँ फिर आई स्टार्ट रिकॉलिंग माई यू एन डी ऑन साथ उसकी फ्लैक्चुअल शीट्स बना रही थी जो नोटबुक में लिखा था उसको फाड़ से फिर फाड़ के फिर से पेजेस में लिखना स्टार्ट किया बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि नोटबुक में मैं अच्छे से लिख नहीं पाई थी वो छोटी सी नोटबुक थी मुझे लगा शायद अच्छे से हो जाएगा पर क्वेश्चन लिखना फिर उनका सोलूशन लिखना बहुत प्रॉपर नहीं हो पा रहा था सर डिसाइडेड टू री राइट दम इन माई नोटबुक एंड साथ ही साथ मेमोराइज भी हो गया सब कुछ जैसे एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए एक बार ऐसे प्रॉपर रिविजन के साथ साथ फैक्चुअल शीट्स बना लूँ तो सोच रही थी उथान सीरीज भी देखूँ उनसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में तो मैं कोई कोई सीरीज देख रहा है कि नहीं वैसे तो अभी मेरे लिए बहुत हैक्टिक है क्योंकि मेरे बैक टू बैक सिक्स मॉक टेस्ट हैं लाइक विद इन टेन वन डेज मेरे छः मॉक टेस्ट हो जाएंगे उसमें मेरा पूरा स्टेपस कम्प्लीट हो रहे हैं सो उसकी वजह से मैं बैक टू बैक लाइक थ्री डेज के यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट लाइक like फिजिक्स के चार बार चाप्टर आ रहे होते केमिस्ट्री के तीन चार तीन चार आ रहे होते रिवाइज करने होते बायो में भी ऐसे पाँच आ रहे होते ऑलमोस्ट लाइक सिक्सटीन सेवनटीन चैप्टर्स मुझे थ्री डेज में रिवाइज करने होते हैं उसकी वजह से मैं लाइक like, इतना नहीं कर पा रही हूँ तो मैं सोच रहा हूँ टेन डेज कोई रिविजन करने के बाद बाकी और डिटेल पर फोकस करेंगे दैट मी नो वट यू गाइज आर डूइंग दिस दिस एंड या हाँ मेरा लास्ट वो सेवेंटीन आवर्स वाला ब्लॉग देखे तो मैं से बहुत लोग कहते हैं अरे अरे धोखा दे दिया सो धोखा नहीं दिया इट्स लाइक like मैं डेली बारह से तेरह घंटे पढ़ रही हूँ लाइक like जब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ प्रॉपर टाइमर के साथ डालती हूँ कि तुम तो लोग देखो कि हाँ मैं भी पढ़ रही हूँ बारह तेरह घंटे इट्स नॉट लाइक like कि हाँ बस लिख दिया टाइटल मैं थर्टीन आवर्स स्टडी ब्लॉग और पढ़ाई ही नहीं अंदर तो इट्स लाइक आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट आज के दिन जिस दिन ये ब्लॉग किया था उस दिन में ऑलमोस्ट थर्टीन आवर्स पढ़ा था बट एग्जैक्ट थर्टीन आवर्स फोर्टीन आवर्स रिकॉर्ड करने में तो थोड़ा डॉफ हो जाता है कोई क्लिप कहीं कुछ हो जाता है कहीं कुछ हो जाता है सो so, यहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट लाइब्रेरी तक इलेवन आवर्स पढ़ा था उसके बाद मैं रूम पे आके भी कंटिन्यू किया था वो रिकॉर्ड नहीं किया था सो लाइक आई लेज स्टडी फॉर ऑलमोस्ट थर्टीन आवर्स एंड दिस इज़ हो ही रहे थर्टीन फोर्टीन लेकिन आने वाले ब्लॉग में आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम आई ट्राई टू शो यूज प्रॉपरली लाइक आई स्टडीड ऑलमोस्ट लाइक थर्टी आर्स लाइक मोस्ट ऑफ द ब्लॉग तुम लोग यूट्यूब पर देखोगे अगर तो काफी सारे लोग होते हैं वो बस लिख देते हैं थर्टीन आवर्स फोर्टीन आवर्स और ना टाइमर दिखाते हैं ना कुछ बस कहते हैं हाँ ये भी हो गया वो भी हो गया ये भी हो गया वो भी हो गया हाँ गई हो गया थर्टीन आवर्स ऐसे थोड़ी होता है पढ़ना पड़ता है बैठना पड़ता है रगड़ना पड़ता है तब होते हैं थर्टीन आवर्स जब तुम खुद से लाइब्रेरी में जाकर ऐसे चार चार घंटा पाँच पाँच घंटा बैठोगे ना तब तुम्हें फील होगा वो रियल टाइम कि हाँ भाई थर्टीन आवर्स पढ़ना होता क्या है सो so इनिशियली मुझे भी तो बहुत बड़ा लगता था कि थर्टीन आवर्स कैसे वो पढ़ते होंगे तो करते करते जैसे तुम अगर मेरे ये वीडियोस देखते हो लाइब्रेरी के क्लब्स देखो मैं लगातार चार पाँच घंटे बैठी रहती हूँ टाइमर चल रोता है वो स्टार्टिंग सो so इट्स लाइक like, जब तुम धीरे धीरे अपनी सेटिंग आर्ट्स बढ़ाना स्टार्ट करते हो फिर यू गेट यूज टू इट एंड फिर तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है इनिशियली मेरे लिए भी बहुत टफ होता था बैठा नहीं जाता था नींद आ रही होती थी थकान हो रही होती थी बैक एक होने लगती थी बट इनिशियली धीरे धीरे स्टोरी स्लोली तुम बैठना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे किसी दिन आठ घंटे होंगे किसी दिन दस घंटे होंगे धीरे धीरे करके बारह तेरह चौदह कब हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा तीजे से मेरे तेरह घंटे चौदह घंटे बहुत ईजली हो रहे हैं लाइक like, सेटिंग आर्स इतनी हो गई हैं कि बहुत स्मूथ हो जाता है सब कुछ और पूरी आराम से सब कुछ हो भी जाता है सो so, अब आखिरी कुछ थर्टी डेज बचे हैं अच्छे से मेहनत करके अच्छे से रगड़ना है अच्छे से रिवाइज़ करना है एंड या आई मोस्ट टाइम में बेस्ट यहाँ लाइब्रेरी में ऑलमोस्ट ट्वेल्व आवर्स हो गए थे एंड उसके बाद मैंने घर आके पढ़ाई की बट वो क्लिप्स ऐड नहीं हो पाई इसमें एंड ये लास्टली मुझे ये क्लब आट करनी थी कि जब मेरे भैया लास्ट मंथ कोटा आए हुए थे मैं उनके साथ कुछ कुछ जगह घूमने गई थी देन वी वेंट टू बार्बी के नेशन कोटा में जब बारबी के नेशन हम वहाँ गए थे साथ में एंड वी हैड आर लंच टुगेदर बहुत अच्छा टाइम था तो वो भी एज अ मेमरी मुझे किसी ना किसी ब्लॉग में ऐड करना था साइड एड एड दस एंड दस ब्लॉग एंड बारबी के नेशन के बारे में अगर तो तुमको कोई नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर प्रॉपर लाइक तुम ऐसे मील चूज़ कर सकते हो वेज या नॉन वेज एंड देन वहाँ पर प्रॉपर फ्री बूफे होता है लाइक तुम जितना खाओ पाओ खा लो सो so, इनिशियली यहाँ पे इनका बारबेक्यू होता है तुम स्टार्टर्स स्टार्टर्स जितना खाओ खाओ जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए खाते रहो वो सर्व करते रहेंगे खाते रहो सर्व करते रहेंगे लाइक बार बार वेट रहा के अलग अलग चिकन की चीज़ें देते रहते हैं लाइक प्रॉन्स चिकन फिश लाइक वेट ऑफ नॉन वेज तो हमने ये सारी चीज़ें खाई तुम वेज हो तो वेज वाला चूज़ कर सकते हो उसके बाद ये सारा खाने के बाद प्रॉपर फुल मील कोर्स होता है प्रॉपर बूफे होता है प्रॉपर वहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं एंड वहाँ पे रसगुल्ले छोटे 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 वाले रसगुल्ले बस सो यम लाइक अभी भी याद करिए तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है बट रमज़ान चल रहे हैं वी मैं गो गोदेर बट क्या ही मतलब मज़ा आता है बिल्कुल तुम बहुत दिन से ऐसे क्रेव करो लाइक कोटा में आने के बाद तो नॉनवेज कहाँ ही मिलता है हॉस्टल के वही दाल चावल रोटी सब्जी लाइक हॉस्टल्स में पता नहीं क्यों नॉनवेज इतना वो करते हैं यार दे दिया करो सो नो नॉन वेज इन हॉस्टल सो जब मेरे भाई जान आए थे तो मैं उनके साथ गई थी खाया था और ये डेजर्ट देखो गई रसगुल्ले एंड ये ब्राउनीज़ ओ माई गॉड इतने टेस्टी खाने के बाद इस व्लॉक को यहीं एंड करते हैं मीट यू वेज इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग